strong emotions. इंटरजेक्शन जो है बेसिकली वो यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू सडन फीलिंग्स एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स राइट करते हैं. एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स में हैं अलास, हुर्रे, ब्रावो, हाय, हेलो, वेल डन, ईटीसी. यहाँ पे बहुत सारे ये तमाम क्या हैं, ये हमारे पास इंटरजेक्शन है. अलास, हुरे, ब्रेवो, हाय, हेलो, वेल डन, ईटीसी. ठीक है, अलास जो है, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स सेंटेंसेस बना के बताती हूँ. हम सेंटेंसेस को किस तरह बनाएंगे, अब यहाँ पे हम देखते हैं सेंटेंसेस. यहाँ पे है पहला वर्ड है हमारे पास अलास. पहले हमें इसकी मीनिंग पता होना चाहिए कि अलास की क्या मीनिंग है. अलास की बेसिकली मीनिंग होती है कि ये किसी गम या सोरो के लिए यूज़ होता है. यूज़ फॉर सोरो. ठीक है, सोरो के लिए यूज़ होता है या किसी तकलीफ़ के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पे हम जो है वो सेंटेंस बनाएंगे. सेंटेंस हम बना रहे हैं, हिज मदर हैज़ डाइड. इसकी अम्मी जो हैं वो मर चुकी हैं. तो हम यहाँ पे शुरू में क्या लगा देंगे, अलास. ठीक है, अलास हिज मदर हैज़ डाइड, उसकी मम्मी मर चुकी हैं. अब यहाँ पे सेकंड वर्ड है हमारे पास हुर्रे. अब यहाँ पे हम हुर्रे का यूज़ करेंगे. हुर्रे विच मीन्स मतलब हैप्पी, जिसकी मीनिंग होती है खुशी.